नमस्कार दोस्तों, राव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम मसाले में बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्जी। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही उसमें डालने के लिए मैंने 3 बड़े साइज के प्याज को भी बारीक काट लिया है, 2 टमाटर काट लिए हैं, लहसुन की 2 बड़ी गांठों को छील लिया है, 2 तेज पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और थोड़े से काले मिर्च लिए हैं, यानी 8 से 10 दाने काले मिर्च लिए हैं। और बाकी के मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, आप जितना तीखा खाना पसंद करती हूँ उसके हिसाब से मिर्च पाउडर लें। मैं यहाँ 1 चम्मच मिर्च पाउडर ले रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी मसालों को थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे, यानी इन मसालों का एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार करके इसे साइड में रख देंगे और सबसे पहले अब हम पनीर फ्राई करेंगे। तो पनीर फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर पहले से ही कढ़ाई बैठा दिए थे, उसमें तेल रख दिए थे। तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं तो उसमें हम पनीर डालकर फ्राई कर लेते हैं। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। और पनीर फ्राई होने के बाद इसे हम हल्के गर्म पानी में डालेंगे, इसलिए आप पनीर फ्राई करने से पहले थोड़ा सा पानी गर्म कर लें और पानी में करीब 2 चुटकी नमक भी डाल दें, जिससे कि आप जब गर्म पानी में पनीर डालेंगे तो पनीर में हल्का नमकीन स्वाद आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने पानी पहले से ही 2 चुटकी नमक डालकर गर्म कर रखा था, तो मैंने सारे पनीर को फ्राई करके उसी गर्म पानी में डाला है। यहाँ आप देख सकते हैं पनीर हमारा सारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। उसे गर्म पानी में डालकर ढककर अच्छे से एक साइड रख देते हैं। अब पनीर फ्राई करने के बाद जो तेल बच गया है उसी में हम डाल देंगे तेजपत्ता, खड़ी लाल मिर्च और दालचीनी। और जब ये अच्छी तरह से चटक जाए तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालकर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कूटे हुए लहसुन और काली मिर्च। जो हमने लहसुन छील के रखे थे और काली मिर्च ली थी उसे हमने कूट कर अलग रख लिया था। कूटे हुए लहसुन और काली मिर्च डालने के बाद हाई फ्लेम पर ही 1 मिनट के लिए इन सबको और भून लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर डालकर मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर हल्का सा गल ना जाए। अब देख सकते हैं कि टमाटर हल्का गल चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मसाले का घोल जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। अब मसाले डालकर मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए और मसालों में से तेल ना छूटने लगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसालों से तेल छूटने लगा है और टमाटर भी गल चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा पाउडर और साथ ही डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे करीब 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनेंगे। जीरा पाउडर मसाले भूनने के बाद मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही जीरा को भूनकर उसका पाउडर तैयार करके रखा था। इससे सब्जी में स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। जीरा पहले से ही भुना हुआ है इसलिए मसाले के भूनने के बाद मैं इसे डाल रही हूँ। अगर मैं इसे पहले ही डाल देती तो जीरा और भी ज़्यादा भुन जाता और मसाले का स्वाद खराब हो जाता और सब्जी का टेस्ट भी बिगड़ जाता, इसलिए मैं इसे बाद में डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप मार्केट से लाया हुआ जीरा पाउडर डाल रही हैं तो ऐसे में जिस समय आपने धनिया, मिर्ची, हल्दी यानी सारे मसाले का घोल तैयार किया था उसी समय जीरा पाउडर भी डाल लें और उसका भी सभी मसालों के साथ घोल तैयार कर लें। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। पनीर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1.5 से 2 मिनट के लिए तेज आंच पर इसे और भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए ऐड कर देंगे पानी।
और अब इसे थोड़ी देर के लिए तेज आंच पर ही पकने देंगे, यानी 3 से 4 मिनट के लिए तेज आंच पर ही पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो हमने गैस बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरह से एक बार बहुत ही कम मसाले में और कम तेल में पनीर की सब्जी जरूर ट्राई करें, और आपकी पनीर की सब्जी कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ।